सिक्स क्लास, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ज्योग्राफी का चैप्टर सेकेंड, क्वेश्चन आंसर। व्हाट इज द, नहीं टिक द करेक्ट ऑप्शंस, यानी करेक्ट ऑप्शन वाले क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द पाथ ऑफ ए प्लेनेट अराउंड द सन कॉल्ड। प्लेनेट का जो पाथ है, रास्ता है सूर्य के चारों ओर, उसे कहा जाता है ऑर्बिट, परिभ्रमण। सेकेंड, द पोल स्टार इंडिकेट्स द डायरेक्शन टू द नॉर्थ। पोल स्टार इशारा करता है उत्तर दिशा का। एस्ट्रॉइड्स आर फाउंड बिटवीन द ऑर्बिट्स ऑफ। एस्ट्रॉइड्स पाए जाते हैं मार्स और जुपिटर के बीच के परिभ्रमण में। द प्लेनेट नोन एज द अर्थ्स ट्विन इज वीनस। विच इज द थर्ड नियरेस्ट प्लेनेट टू द सन। सूर्य का तीसरा और सबसे नज़दीक, यानी पास वाला तीसरा ग्रह अर्थ है, पृथ्वी। विच ऑफ दीज प्लेनेट इज कॉल्ड द रेड प्लेनेट, एंड लाल ग्रह किसके कहा जाता है, मार्स को कहा जाता है। सेवंथ, ऑल द प्लेनेट्स मूव अराउंड द सन इन। सभी प्लैनेट्स ग्रह सूर्य के चक्कर लगाते हैं सर्कुलर पाथ पर, चक्रीय पाथ में, गोलाकार में, गोलाकार रास्ते पर चक्कर लगाते हैं। आफ्टर हाउ मैनी ईयर्स कैन हेलीज कॉमेट बी सीन। हेली कॉमेट्स को कितने वर्ष बाद देखा जा सकता है, देखा जाता है, 76 ईयर। इसका आंसर 76 ईयर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स में फर्स्ट है, द इज द लार्जेस्ट एस्ट्रॉइड। सबसे बड़ा एस्ट्रॉइड साइरस है। क्या है, साइरस, CERES। सेकेंड, इज द थर्ड नियरेस्ट प्लेनेट टू द सन। तीसरा नज़दीक सूर्य का ग्रह है द अर्थ। थर्ड क्वेश्चन, प्लेनेट्स डू नॉट हैव देयर ओन। फिल अप हीट एंड लाइट। ग्रहों का अपना अपना ताप और गर्मी नहीं, ताप और प्रकाश नहीं होता है, यानी हीट गर्मी और लाइट प्रकाश उनका अपना नहीं होता है। इज द क्लोजेस्ट सेलेंशियल बॉडी टू अवर अर्थ। हमारे अर्थ के निकटतम जो आकाशीय पिंड है वो है नेपच्यून। नेपच्यून, NEPTUNE। ए ग्रुप ऑफ फॉर्मिंग वेरियस पैटर्न्स इज कॉल्ड ए कंसेंटेलेशन। इसमें फर्स्ट फिलिप में आएगा, इस ए ग्रुप ऑफ स्टार्स, स्टार का जो समूह है वो फॉर्मिंग बनाता है वेरियस पैटर्न्स, अनेकों पैटर्न्स, और उन पैटर्न्स को कंसेंटेलेशन कहा जाता है, तारामंडल कहा जाता है, CONSTELLATION। कंस्टेलेशन, कंस्टेलेशन जिसका मतलब होता है तारामंडल। CONSTELLATION। नेक्स्ट फ्लप है, ए हग सिस्टम ऑफ स्टार्स इज कॉल्ड। एक बड़ा जो तारों की व्यवस्था होती है उसे कंस्टेलेशन कहा जाता है, वही इसी में वही आएगा, CONSTELLATION, तारामंडल। द टू टाइप्स ऑफ सैटेलाइट्स आर, यानी सैटेलाइट्स दो प्रकार के होते हैं, उपग्रह, एक नेचुरल एंड आर्टिफिशियल। सैटेलाइट्स नेचुरल भी होते हैं, प्राकृतिक, एंड NATURAL, ये प्राकृतिक सैटेलाइट्स हैं, और दूसरा है आर्टिफिशियल, ARTIFICIAL, प्राकृतिक और कृत्रिम। अब आता है
tick the correct statements and cross out wrong one. There are 9 planets in our solar system. हमारे सौर मंडल में 9 ग्रह हैं. ये wrong. Nine planets in our solar system. First statements wrong. Second, planets do not have their own light. ग्रहों का अपना प्रकाश नहीं होता. ये राइट है. यूरेनस इज नोन एज द रेड प्लेनेट. ये रॉन्ग है क्योंकि यूरेनस को लाल ग्रह के नाम से नहीं जाना जाता. ये कह रहा जाना जाता है, नहीं जाना जाता, इसलिए रॉन्ग है ये. स्टार्स प्रोड्यूस देयर ओन हीट एंड लाइट. तारों का अपनी गर्मी और प्रकाश होता है. रॉन्ग. ए कंस्टेलेशन इज ए क्लस्टर ऑफ स्टार्स डस्ट एंड गैस. यानी जो तारामंडल है वो एक क्लस्टर है, तारों का समूह है डस्ट और गैस का. ये राइट. अब आता है मैच द फॉलोइंग. जैसे फर्स्ट कॉलम ए और कॉलम बी का मैचअप करना है. जैसे वीनस के साथ में आएगा ब्राइटेस्ट प्लेनेट, चमकीला ग्रह है वीनस, तो फर्स्ट के साथ फोर्थ. सेकंड मून के साथ थर्ड आएगा नेचुरल सैटेलाइट. यानी मून एक प्राकृतिक उपग्रह है, सेकंड में थर्ड. थर्ड न्यू मून के साथ आएगा मून इज ए बिटवीन द सन एंड द अर्थ, फिफ्थ. मेट्रोइड्स फर्स्ट आएगा, ये शूटिंग स्टार की तरह होते हैं, फर्स्ट फोर्थ में फर्स्ट. नील आर्मस्ट्रांग फर्स्ट मैन ऑन द मून. नील आर्मस्ट्रांग चंद्रमा पर पहुंचने वाला पहला व्यक्ति था, तो फिफ्थ में सेकंड. क्वेश्चन आंसर नेक्स्ट वीडियो में कराएंगे. आज ये 4 एक्टिविटीज़ 1 2 3 4 ये कराएं, इनको आप नोट कर लेना और लर्न कर लेना. फिनिश.